सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के कंधे गिरने के क्या कारण है। तो जैसे आप पहले गले की चौड़ाई कम काटें, 2 इंच या 2.25 या 2.5 इंच की चौड़ाई काटें। और ज्यादातर मैंने देखा है जैसे पाइपिंग आपकी अगर सही से नहीं लगी होगी तो आपका कंधा गिरेगा। तो मैं आपको पाइपिंग लगा के बताऊंगी और ये पट्टी लगा के बताऊंगी कि इनके कारण भी आपका कंधा गिरता है। पाइपिंग हमेशा चिपकनी चाहिए कपड़े में। तो सबसे पहले मैं आपको पट्टी लगाना बताऊंगी कि ये पट्टी कैसे लगाई जाती है, जिससे आपकी यहाँ से फिटिंग और ये पट्टी अच्छे से दब जाएगी तो और पाइपिंग भी अच्छे से लग जाएगी तो कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। ज़्यादातर कंधे गिरने की बहुत शिकायतें आती हैं। तो जैसे प्लेटें डालना, तो मैंने आपको बताया ही है कि हमें शेप में प्लेटें डालनी है। तो अब मैं आपको पट्टी लगाना, यहाँ पे हम काज वाली पट्टी लगाएंगे जो हमारा काज बनाते हैं, और यहाँ पे हम अंदर वाली पट्टी लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारी पट्टी है, वो 2 इंच की है। तो पहले हम इसके ऊपर रखेंगे, यहां से हम बना लेंगे। अब इसके बाद हम इसको अंदर के साइड दबाएंगे। तो हमें किस तरीके से दबाना है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से करेंगे। और पहले हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, अस्तर को अंदर के साइड दबा के किनारे किनारे में। अब इसके बाद हम इसको अंदर के साथ दबा के तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लें पहले। देखिए यहाँ पे हमारा अस्तर बिल्कुल दब गया है। पहले हमें यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी पाइपिंग दोनों कपड़े में लग जाए। अस्तर वाला ब्लाउज है। अभी हमारी पट्टी है 3 इंच की चौड़ाई। पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। अब इसके बाद ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर के साथ दबाएंगे इस तरीके से। अब देखिए पट्टी हमारी बराबर लगी है, तो हमें पट्टी का ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक गला भी बराबर है और लंबाई नाप लेंगे गले की जितनी हम लंबाई रखना चाहते हैं। यहाँ से हम लंबाई नाप लेंगे तो हमारी गले की लंबाई 6.5 इंच है। अगर हम इसको 6 इंच करना चाहते हैं तो हमें हमेशा यहाँ से थोड़ा सा दबाना चाहिए, जिससे यहाँ पे हमारे कंधे दब जाए। इसको हमें इस तरीके से शेप में कटिंग करो, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच इस तरीके से। इससे क्या है, यहाँ पे हमारे कंधे दब जाएंगे। अब पीछे का पल्ला जोड़ेंगे, पीछे की साइड भी हम इसी तरीके से गले पे सिलाई लगा लें। अब इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर को जोड़ेंगे, दोनों को हमें 1/2 इंच काटना है। आगे के शोल्डर जैसे हमने थोड़ा सा काटा 1/2 इंच, तो पीछे की भी इसी तरीके से हमें 1/2 इंच काटना है।
इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा। अब देखिए हमने सिलाई भी थोड़ी सी तिरछी लगाई है यहाँ पे दबाते हुए। अब हम इसमें गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमारा अस्तल का कपड़ा है तो हम इस पर आपको बना के बताएंगे। अगर आप चाहें तो जैसे ये हमारा साड़ी का कपड़ा बचा हुआ है तो इसके भी बना सकते हैं। यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई लेनी है पट्टी की। 1/4 इंच की भी ले सकते हैं मगर आप 1.5 इंच की ले लें तो बाद में कट जाएगी। और इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे कुन्ना नहीं है तो इसमें कुन्ने वाली पट्टी को जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम इसको बराबर कर देंगे। अभी हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे, 1/2 इंच बाहर निकालेंगे। अब देखिए शोल्डर वाली जो कपड़े की पट्टी है, कपड़ा है जो शोल्डर का, उसको पीछे की साइड ही रखेंगे, पीछे की साइड, जिससे हमारे शोल्डर पीछे की साइड ही रहें। ये छोटी छोटी ही बातें हमारे ब्लाउज को एकदम फिट बनाती है। हमारा देखो बिल्कुल 1/2 इंच ही दबना चाहिए शेप में। और पट्टी को हमें थोड़ा खींचना है जिससे हमारी पट्टी एकदम सही आए, थोड़ा सा खींचते हुए लगाना। और ये पीछे का शोल्डर भी, इसको भी पीछे करना है शोल्डर को, और पट्टी को थोड़ा खींचना है। अभी खींचते हुए हमें एक कपड़े को इस तरीके से दबाना है जिससे हमारा जो नीचे का कपड़ा वो ऊपर की साइड आ जाए अच्छे से, इस तरीके से करना है। अब इसके बाद ये पट्टी को दबाएंगे। अंदर का कपड़ा दबना चाहिए, इस तरीके से हमें पट्टी को दबाना है। ये अंदर का कपड़ा दब गया हमारा। अब ये जो कपड़ा है इसको काट लेंगे। देखिए ये पूरा कपड़ा दब गया, अंदर का जो पट्टी इस तरीके से आनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारा कंधे में दब जाती है पाइपिंग तो कंधा बिल्कुल नहीं उतरेगा। जहां तक मैंने देखा है पाइपिंग सही से लगी है तो भी कंधा सही रहेगा। तो अब हम इसको अंदर के साथ दबा के एकदम अच्छे से पाइपिंग बनाएंगे। और ये एकदम कपड़ा दबना चाहिए अंदर वाला सही से, तो एकदम सफाई भी आएगी और पाइपिंग का भी अच्छा रहे, पाइपिंग भी अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। जब गली में हम ब्लाउज को पहनेंगे तो पाइपिंग चिपक जाएगी। पाइपिंग जैसे आपको पतली बनानी है तो पतली बनाएं, जैसे भी आपको पाइपिंग बनानी है उतना ही आप कपड़े को अंदर के साथ दबाएं और बाहर उतना ही निकालें जितना आपको चाहिए पतली। अब इसको अंदर के साथ दबा के इस तरीके से, अब देखिए पाइपिंग बन गए और ये अंदर के साथ भी दब गया है कपड़ा।
तो इसी तरीके से आप पाइपिंग को ध्यान में रख के लगाइए तो ये शोल्डर बिल्कुल नहीं उतरेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।